Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehendipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामु अलैकुम। केबीएन स्पीड न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 8 जुलाई 2021 की टॉप 20 न्यूज। हज का खुतबा उर्दू समेत 10 जबानों में नशर होगा। इस साल खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 10 जबानों में नशर किया जाएगा। हरमन शरीफैन इंतजामिया के मुताबिक इस साल हज पर तवाफ के लिए 25 ट्रैक तैयार कर लिए गए हैं। मस्जिदुल हराम के सहनों की सैनिटाइजिंग के लिए 5000 कारकुनान की खिदमत हासिल कर ली गई है। दूसरी जानिब हज की तैयारियों के लिए मताफ में दाखिला आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। वैक्सीन ना लेने वाले अफराद हैं खतरे में, जो बाइडेन ने दिया इंतबाह। कोरोना की किस्म डेल्टा तेजी से फैलने वाली और ज्यादा खतरनाक है। आइंदा चंद दिन में 16 करोड़ अमेरिकियों की टीकांदाजी की जाएगी, जो बाइडेन ने दिया बयान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जिन 36 नए चेहरों को अपनी वजरा की काउंसिल में शामिल किया है, इनमें से बहुत सारे आला तालीम याफ्ता हैं। नए वजरा में 8 वकील, 4 डॉक्टर, 2 साबिका IAS और 4 MBA डिग्री रखने वाले शामिल हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद से लंदन के लिए फ्लाइट्स का दोबारा हुआ है आगाज। कोरोना वबा की वजह से इन फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया था, अब दोबारा इसका आगाज होने पर मुसाफिरीन में खुशी की लहर दौड़ गई। PTI के नए वजीर अश्विनी विष्णु ने ट्विटर के साथ तनाजे के दरमियान कहा, हर एक को मुल्क के कानून पर अमल करना होगा। जुमेरात को ओहदा संभालते ही विष्णु ने ट्विटर को एक सख्त पैगाम देते हुए कहा कि मुल्क का कानून सबसे बालातर है और ट्विटर को इन कवानीन पर अमल करना है। आंध्र प्रदेश में 15 अगस्त के बाद स्कूल खोले जाने पर किया जा रहा है गौर। हुकूमत आंध्र प्रदेश 15 अगस्त यौम आज़ादी के बाद स्कूलों को दोबारा खोलने पर गौर कर रही है। तालीमी साल 2021-22 कोविड वबा की वजह से शुरू नहीं हो पाया था। तालीम पर आला सतही इजलास, जिसकी सदारत चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने की, इसमें 15 अगस्त के बाद तालीमी साल के लिए स्कूलों की कुशादगी का उसूली फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के रिलीज में कहा गया कि तमाम टीचर्स को स्कूलों को खोलने जाने से पहले कोरोना के टीके दिए जाएंगे। डी नागेंदर को 6 महीने की जेल की सजा। अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट के केसों की समाप्त करने वाली खसूसी अदालत ने खैरताबाद के रुकने असेंबली डी नागेंदर को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। साल 2013 में नागेंदर के खिलाफ एक शख्स पर हमला करते हुए उसे जख्मी कर देने का इल्जाम आयद किया गया था, जिस पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। फर्द जुर्म साबित होने पर नागेंदर को मुलजिम करार देते हुए खसूसी अदालत ने 6 महीने की कैद की सजा के अलावा ₹1,000 जुर्माना आयद किया। अदालत ने रुकने असेंबली नागेंदर को इस फैसले के खिलाफ आला अदालत से अपील करने के लिए 1 महीने का वक्त भी दिया है। ईद उल अजहा से पहले इंतजाम मुकम्मल कर लिए जाएं, 3 पुलिस कमिश्नरेट्स का हुआ इजलास। महकमे ट्रांसपोर्ट और अफजाई से मवेशिया के अहदेदारों के साथ अंजनी कुमार ने किया तबादला ख्याल। करीमनगर हाईवे पर संघ परिवार के कारकुनों ने की शरअंगेजी, बैल मुंतकिल करने वाली गाड़ियों को जब्त करवा दिया। सैयद अहमद पाशा खादरी ने किया एहतजाज। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में भी गाय को छोड़कर दूसरे बड़े जानवरों की मुंतकिली में भी रुकावटें पैदा की जा रही हैं। ऐसा ही एक वाकया जगतियाल में करीमनगर में पेश आया, जहां संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों ने एक बयान से 21 बैल और एक टाटा गाड़ी से 7 बैलों की मुंतकिली पर एतराज करते हुए ये बैल गौशाला मुंतकिल करवा दिए। जैसे ही इस बात का पता चला, जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी ने सुपरिटेंडेंट पुलिस जिले सिंधु शर्मा से फोन पर रब्ता अदा करते हुए इस वाकये पर सख्त एहतजाज किया और कहा कि पुलिस ने जो बैल और गाड़ियां जब्त की हैं वो फौरी वापस कर दी जाएं। बैलों की मुंतकिली को रोकने में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी जनाब अहमद पाशा खादरी ने मुतालबा किया। ईद उल अजहा से पहले गौ रक्षकों की हिरासानी पर बरहमी। मजलिस अरकान मुखन्नाना की DGP महिंदर रेड्डी से हुई मुलाकात। रियासत के तमाम पुलिस दफातर पर उर्दू तहरीर करने का किया मुतालबा। शहर में 410 खानदानों में आज डबल बेडरूम मकानात की होगी तकसीम। मशीराबाद और सिकंदराबाद असेंबली हलकों में 35,15,00,000 रुपए के सर्फे से इन मकानात के यूनिट्स की तामीर का काम किया गया है। मशीराबाद में तामीर करदा हाउसिंग सोसाइटी में साई चरण डबल बेडरूम हाउसिंग कॉलोनी के 108 फ्लैट्स, टी अंजैया डबल बेडरूम हाउसिंग कॉलोनी के 35 फ्लैट्स शामिल हैं। इन मकानात का इफ्तिताह वजीर अफजाइश व मवेशियां श्रीनिवास यादव करेंगे, जबकि डिप्टी स्पीकर पद्मा राव सिकंदराबाद असेंबली हलके में मकानात का इफ्तिताह करेंगे। एडिसेट में एडमिशन्स के लिए 15 जुलाई तक तारीख बढ़ा दी गई। एडिसेट 2021 में शिरकत के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में 15 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सेटविन पर हीरे जवाहरात के शनाख्त विक्टिंग कोर्सेज का हो रहा है आगाज। मजीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 8801488802 पर कॉन्टैक्ट करें या फिर अजमत जा पैलेस पुराने हवेली पर सुबह 11 बजे से 1 बजे दिन डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से 317 करोड़ खर्च किए जाएंगे, तेलंगाना हुकूमत ने लिया फैसला। उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर के लिए 6 हफ्तों के अंदर फैसला करने की हाई कोर्ट ने दी हुकूमत तेलंगाना को हिदायत।
साबिक मेयर माजिद हुसैन और दिगर के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज, पुलिस को ड्यूटी की अंजामदही से रोकने का लगा इल्जाम। बंजारा हिल्स पुलिस ने हैदराबाद के साबिक मेयर और मेहदीपट्टनम के मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन, नानल नगर के कॉरपोरेटर नसीरुद्दीन और इनके दो साथियों के खिलाफ पुलिस को ड्यूटी अंजाम देने से रोकने और धमकाने के अलावा इन पर हमले के सिलसिले में दो अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। चहारशंबे को फिल्म नगर में एक अराजी को लेकर बहस व तकरार हुई, जिसके सबब ये केस दर्ज किया गया। बिजली गिरने के नतीजे में तीन औरतें हुई हलाक। असला, मुतहदा, वरंगल और आदिलाबाद में बिजली गिरने के नतीजे में तीन औरतें हलाक हो गईं और मजीद तीन की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। जिले महबूबाबाद के तिरु मंडल के वेलाकटुलु इलाके में मजदूर खेतों में काम करने के लिए गए थे, ताहम बारिश की वजह से उन्होंने करीबी दरख्त के नीचे पनाह ली। इसी दौरान बिजली गिरने से दो खवातीन मौके पर ही हलाक हो गईं। एक खातून की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। आज रियासत तेलंगाना में एक नई सियासी पार्टी का ख्याम अमल में आया। वाया शर्मिला और उनकी फैमिली मेंबरान ने वायसआर तेलंगाना पार्टी का परचम लहराया और उनके वालिद के घाट पर खिराज तहसीन पेश किया। दिलीप कुमार के इंतकाल पर चीफ मिनिस्टर का इजहार ताजियत। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नामवर बॉलीवुड अदाकार और दादा साहेब फाल्के अवार्ड याफ्ता दिलीप कुमार यूसुफ खान के इंतकाल पर इजहार ताजियत किया है। आइंदा 72 घंटों में मौसलाधार बारिश का है इम्कान। हवा के दबाव में कमी, जीएचएमसी को चौकस रहने की हिदायत। महकमे मौसमियात का इंतबाह। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना के जुनूबी अजला में जारी हफ्ते के दौरान शदीद बारिश की पेशकशी की जा रही है और महकमे मौसमियात की जानिब से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिदायत जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। ज़ेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, एमसेट, आईआईटी एंड सीए। लड़के और लड़कियों के लिए अलहैदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज, एडमिशन्स आर ओपन। मेहंदीपट्टनम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।